हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र। वेलकम बैक स्टूडेंट्स सहयोगी। तो आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे आईपीएस कॉलेज के बारे में कि कैसा कॉलेज ये है, कब बना था, कौन कौन से कोर्स करवाता है, किस किस से अफ्लाइटेड है ये, और साथ में इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मतलब वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। और क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं इंदौर में। अगर इसके इस्टेब्लिश की बात करें तो 1994 में ये बना था, 56 एकड़ की अच्छी खासी ज़मीन में फैला हुआ है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत शानदार बना हुआ है। अगर इसके एड्रेस की बात करें कहाँ पर लोकेटेड है तो एवी रोड राजेंद्र नगर राम वाला जो रोड है इंदौर में वहाँ पर ये लोकेटेड है। अगर रैंक की बात करें तो ऐसे कोई इसके NIF रैंकिंग नहीं है या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी से इसके द्वारा रैंकिंग नहीं है, बट हाँ प्राइवेट कॉलेज में अच्छा खासा रेप्यूटेड कॉलेज है इंदौर में। इंदौर में तीसरे नंबर पर कह सकते हैं कि इंदौर में तीसरे नंबर पर आता है ना, मतलब ऐसे प्राइवेट कॉलेज है बट अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। अगर इसके टाइप की बात करें तो मैंने बताई दिया कि प्राइवेट कॉलेज है, AICTE से अप्रूवल है। अगर यहाँ पे जितने भी टेक्निकल कोर्स होते हैं उन सबको AICTE से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसमें इसने भी AICTE से अप्रूवल ले रखा है। हाँ, इसकी जो डिग्री रहती है वो RGPV से होती है, जो टेक्निकल रहती है, जो फार्मेसी या फिर जो B.tech की रहती है, और जो BSc नॉन टेक की रहती है वो DAVV से अफ्लाइटेड रहती हैं सारी, जैसे BSc हो गया, BBA हो गया, BCom हो गया, तो सारी DAVV से रहती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया दिया, कोर्सेज यहाँ पे सारे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे लॉ की बिल्डिंग अलग है, नॉन टेक के लिए BSc की बिल्डिंग अलग है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है ना, BEd का एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, और इसके पास फार्मेसी डिपार्टमेंट अलग है, और टेक्निकल टेक्नोलॉजी के BTech डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे BTech के बारे में। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर सारी डिटेल से जानेंगे। हाँ, अगर आपको इस कॉलेज का जो नॉन टेक पार्ट है, जैसे BSc, BCom, BBA हो गया, या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट का अलग अलग नॉन टेक पार्ट के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सारी डिटेल से बताऊंगा प्लेसमेंट कैसे हैं और नॉन टेक के। इस वीडियो में अपन प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और BTech का खासकर इसमें बताएंगे, फार्मेसी का भी अलग वीडियो में बताएंगे। करें कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, तो इसमें सिविल आपको मिल जाएगी, मैकेमिकल ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस मोस्ट ऑफ द सबसे डिमांडिंग जो ब्रांच है वो भी अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी एक अलग ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस अलग है और CS IT अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच यहाँ पर मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, फायर टेक एंड सेफ्टी भी अवेलेबल है जो कि बहुत कम कॉलेजों में रहती है, इंदौर में एक या दो कॉलेजों के पास ही है, मैकेनिकल मिल जाएगी, जनरल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो एडमिशन जो प्रोसेस है वो JEE पे ही होता है, बहुत सारे ऐसी ब्रांचेस है जैसे मैकेनिकल सिविल, अगर इसमें सीट नहीं भरती है तो 12th बेस पे भी ले लेते हैं। हाँ, इसका जो एडमिशन होता है DTE के काउंसलिंग के द्वारा ही होता है, MP DTE की जो काउंसलिंग होती है। अगर इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो CS का प्लेसमेंट है, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है आपको यहाँ पे। अगर यहाँ पे जैसे शो हो रहा है कि यहाँ पे TCS की कंपनी आई थी, अपग्रेड आई थी, जूरो एजुकेशन आई थी, ठीक है, केमिकल की आई थी, और इसके बाद इन्फोसिस आई थी, क्लेयर सॉफ्ट आई थी, है ना, HCL आई थी, क्लोबेरा आई थी, हॉटवैक्स आई थी, है ना, ऐसे बहुत सारे बायजूस भी आई थी, और इसके अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस है, जैसे TCS में 25 है, 2021 बैच की बात कर रहा हूँ मैं, अपग्रेड में 11 बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसे टोटल यहाँ पे 26 इन लोगों ने कंपनीज दिखाई गई हैं यहाँ पर, है ना। तो और इसके बाद में ये सब CS का प्लेसमेंट था, और इसके साथ आपको इसकी जो आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको अच्छे से सारी जानकारी और मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप CS में ले रहे हो, ठीक है, अगर आपका जो मोटिव है कि मुझे एक प्राइवेट कंपनी में काम करना है, फिर प्राइवेट टेक कंपनी में जाना है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ले सकते हो। इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है समथिंग, इसकी टोटल जो है ना हर साल चेंज होती रहती है, पिछले साल लगभग इसकी 1 लाख के समथिंग थी CS की, बाकी मैकेनिकल सिविल की कम फीस रहती है यहाँ पे। फीस की सारी डिटेल से मैं आपको जो है व्हाट्सअप कर दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, एडमिशन लेने के लिए आप MPSP से जुड़ सकते हैं, करियर गाइडेंस के लिए भी आप MPSP की हेल्प ले सकते हैं। MPSP क्या है आप वीडियो देख के पता कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग करवानी है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा, MPSP के करियर गाइडेंस टीम की हेल्प ले सकते हैं। कैसे लेना है, आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। और अगर प्लेसमेंट की इसकी बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट दिखाया गया, बट CS के लिए, मैकेनिकल सिविल के लिए क्या कंडीशन है इसमें, तो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मैकेनिकल सिविल के लिए और दूसरी ब्रांचेस के लिए। हाँ, CS के लिए ठीक है इसको।
और इसका अच्छे से अगर आपको सारी जानकारी लेनी है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए। और कैसे लेना चाहिए एडमिशन, मतलब जैसे ऐसे तो डीटी काउंसलिंग द्वारा हो जाता है, बट इसके दूसरे हिडन पॉइंट भी हैं जो मैं यहाँ ओपनली नहीं बता सकता, तो आप जो है पर्सनल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल था इसका आईपीएस एकेडमी का। बाकी इसके जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो अलग वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।